इतना बड़ा है, बिग साइज वाला ये क्या है? वोल्वो ट्रक है बोल रहा है मेरे दोस्त। तो देखिए ना, मैं तो आज का पहले कुछ भी अभी भी दिखा ही नहीं हुआ सब गाड़ी है जो। देखिए क्या हैवी का है जो है, कितना ऊंचाई तक है ये गाड़ी। सब क्रेन से ले जाते हैं। इसका क्या है ये पहिया? कितना सारा पहिया है एक गाड़ी में? आप लोग गिनती करके मुझे बताइएगा कमेंट पर। देखिए तो आप लोगों का स्वागत है हमारे और एक नए ब्लॉग पर। दोस्तों आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं फिर से चौकीगढ़ ब्रिज के पास, जो मतलब उधर ही थोड़ा घूमने। आज का मौसम देखिए ना, बहुत ही सुहाना है। और वहाँ पर कुछ मतलब अनहोना कांड हो गया, मतलब जो अनहोनी नहीं होना था वही कांड हो गया आज। तो वहाँ पर जा रहा है मैं और मेरा दोस्त जा रहा है उधर। तो देखिए पहले एक लड़का मर गया। तो दोस्तों देखिए जो मौसम का है, और बादल भी देखिए क्या बेहतरीन नजारा से गरज रहा है। और देखिए यहाँ पर इस साइड मछली पकड़ रहा है, पूरा पानी ही पानी। अभी पहले तो कुछ दिन पहले तो हम लोग इधर नहाने के लिए आया था दोस्तों, तो अभी देखिए ना कितना जबरदस्त पानी आएगा, पूरा नदी मतलब हाउसफुल। तो चलते हैं वहां, दिखाते हैं आप लोगों को। जो नहीं होना था ऐसा ही काम हो गया, अनहोनी काम। तो चलिए, अरे सब देखिए ट्रैक्टर और जेसीबी का बेहतरीन नजारा। तो दोस्तों आखिर हम आके चौकीघाट ब्रिज पहुंच गया। और देखिए ये ब्रिज जो है बन रहा है, और इसका काम बहुत ही जबरदस्त से चल रहा है, मतलब बहुत ही जोरों से चल रहा है। देखिए पूरा ब्रिज कंप्लीट हो ही गया है और थोड़ा बाकी है, मतलब थोड़ा एक दो खुटा और लगाना बाकी है, उसके बाद आप लोग खुद इधर से आ सकते हैं। और फोर लाइन का जो गाड़ी सब है सब इधर से जाएगा, सब बेहतरीन शॉर्ट होगा मतलब रास्ता, और बहुत ही मतलब काम का है। और आप लोग कभी भी आइएगा चौकीघाट ब्रिज तो आना ही पड़ेगा कभी, क्योंकि कहीं पर भी जाना है तो इस ब्रिज से होकर ही जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग देखिए आज का मौसम भी है बहुत बढ़िया है, और ब्रिज भी बहुत बढ़िया बन रहा है। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू रहिए, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। पूरा नदी पानी से भरा हुआ है और बारिश भी बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, मतलब कुछ दिन से तो पानी तो होगा ही दोस्तों। और इस साल भी है पानी का मौसम चल रहा है, और आगे दिखाता हूँ आपको। देखिए पानी बहुत ही जबरदस्त है, मेरा फ्रेंड इधर खड़ा हुआ है और मतलब आराम से जो ब्रिज बन रहा है, सोच रहा है शायद वो खुद बनाना था ये ब्रिज, लेकिन सरकार से कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है, तो वो अपने आप पे मतलब एक काम नहीं लिया और सरकार को दे दिया ये काम, तुम लोग करो मुझे नहीं करना है मतलब। तो फ्रेंड्स को दिखाता हूँ मैं आगे, तो आप लोग मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रहिए। तो मैं ब्रिज के एकदम बीच आके खड़ा हुआ हूँ। देखिए इस साइड ब्रिज बहुत दूर है, और इस साइड मेरा दोस्त भी आ रहा है, वो भी वीडियो कर रहा है। तो और इस साइड में दिखाऊंगा मैं, ब्रिज बहुत ही दूर है। तो मैं एकदम ब्रिज का जो बीच में मतलब रुका हुआ हूँ, और नदी में तो पूरा पानी भरा हुआ है, और पानी के बाद बहुत तेज भी चल रहा है बहुत पानी, और बारिश भी 2-3 दिन से मतलब बहुत जबरदस्त बारिश भी हो रहा है असम में, तो उसकी वजह से मतलब नदी पूरा भरती हुआ है। तो देखिए बम्बू जो है, बम्बू के पेड़ लगा के पूरा नदी को बांध के रखा हुआ है इस साइड ब्रिज में, और पूरा नदी मतलब पूरा देखिए ना बहुत ही भरा हुआ है पानी। दोस्तों देखिए मैं आके एकदम नदी के बीच खड़ा हुआ हूँ, देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है, और ब्रिज के साथ है, मैं ब्रिज के एकदम पीछे खड़ा हुआ हूँ, और देखिए पूरा चारों तरफ से देखिए आपको घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, पूरा चारों तरफ से पानी भरा हुआ मतलब जो मठापड़ टाइप बना के रखा है, और बम्बू से भी पूरा नदी बांध के रखा है। यहाँ से वहाँ तक मतलब थोड़ा जगह छोड़ दिया है, पानी जाना पड़ेगा ना उससे आगे, तो पानी जाने के लिए मतलब यहाँ से थोड़ा आगे छोड़ दिया। और देखिए ना पानी का जो बहाव है मतलब तेज है, बहुत ही स्पीड से पानी जा रहा है, और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कितने स्पीड से पानी जा रहा है। तो देखिए बहुत ही, और मैं एकदम ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ हूँ, नया जो ब्रिज बन रहा है ये इसका देखिए, चौकीगढ़ ब्रिज एकदम ब्रिज के नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ। इधर आदमी लोग थोड़ा बहुत काम कर रहा है, और देखिए पानी का जो बहाव है बहुत ही स्पीड है, मतलब यहाँ आने के लिए थोड़ा रिक्सी हो जाता है। और मतलब ये देखिए अगर ये रास्ता हो गया, मतलब ये जो ब्रिज हो गया, तो ब्रिज होने के बाद मतलब यहाँ का जो लोकल आदमी है वो इस साइड का, तो वो लोगों के लिए मतलब थोड़ा
भला हो जाएगा, क्योंकि वो लोग पहले तो नदी से यहाँ से इस यहाँ से एकदम थोड़ा आगे जाना पड़ता है, पूरा नदी नदी से जाना पड़ता है। देखिए थोड़ा आगे एक फेरी जा रहा है, उस फेरी से जाना पड़ता है, मतलब बहुत ही रिक्शी लेके जाना पड़ता था। तो अच्छा ही होगा, ये ब्रिज हो जाएगा, तो ब्रिज होने के बाद मतलब थोड़ा पैदल भी जा सकता है और गरीब आदमी का भी भला हो जाएगा, और फिर गाड़ी भी तो चलेगा ही, गाड़ी से जा सकता है, लेकिन कोई मतलब थोड़ा प्रॉब्लम में हो तो पैदल भी जा सकता है, लेकिन नदी के बीच से जो फेरी में जाता है उससे तो बच जाएगा ये। तो देखिए पानी का जो स्पीड है बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से जा रहा है पानी। देखिए यहाँ से एकदम घूम घूम के घूमते एकदम यहाँ ब्रिज के नीचे जाएगा, और क्योंकि उस आगे तक जो है देखिए माथामोरी टाइप पूरा बना के रखा है, तो वहाँ मतलब पानी जाने नहीं देता है, मतलब वो उसका काम चल रहा है ब्रिज का, तो उस साइड मतलब पानी बंद करके रखा है और पानी इस साइड में खोल दिया है। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा, देखिए कितना ज़बरदस्त पानी है, और मैं आके नदी का एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ, यकीन भी नहीं होता है आप लोगों से बात करते करते मैं एकदम नदी के बीच आके पहुँच गया। तो अभी आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगा, और मेरे दोस्त एक देखिए उस साइड जो आ रहा है वो और आगे चला गया था उस साइड में, तो उधर से आ रहा है काटते जा रहा है पानी के साथ। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं अगर थोड़ा बैठ लेता हूँ क्योंकि बहुत ही पैर दर्द कर रहा है, अभी घूमते घूमते बहुत ही दर्द ज़बरदस्त पैर दर्द कर रहा है, बहुत दूर से आ गया हूँ मैं इधर पैदल, आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखिए वो कहाँ से कहाँ यहाँ तक आ गया, एकदम वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ से यहाँ तक मैं मतलब पैदल आया हूँ, और रेत पे चलने में थोड़ा ज़बरदस्त हवा चल रहा है, बहुत ही तो फ्रेशनेस पानी से मतलब क्लियर जो फ्रेश हवा है चल रहा है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, और मैं तो फिर से बोलूँगा यार देश में जो रहता है आदमी उन लोगों के लिए तो बहुत ही भला हो गया ये ब्रिज बन के, क्योंकि ब्रिज बनने के बाद मतलब सोच भी सकता है इतना बड़ा नदी है, इतना बड़ा जो जियावर्ली रिवर है बहुत ही बड़ा है, और इसमें जो फेरी से जाना पड़ता है आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं फेरी आएगा मैं इधर बैठा रहूँगा, एक जो फेरी आएगा मैं आप लोगों को फेरी भी दिखाऊंगा कितना रिस्क लेके मतलब यहाँ का आदमी लोग चलता है, मतलब जाता है फेरी में नाव के नदी के पीछे से, क्योंकि ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं हुआ, जब हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा ही होगा, क्योंकि आज से नहीं बहुत साल से चल रहा है ये, नदी से जा रहा है आ रहा है मतलब, लेकिन ये तो हो जाएगा तो बहुत अच्छा। देखिए नदी में ब्रिज के ऊपर जो फॉकलेन लगा हुआ है, देखिए कैसे सामान कैसे उठाता है ऊपर, और मेरा दोस्त इधर आके पानी का मज़ा ले रहा है बैठ के। तो दोस्तों आप लोगों को ब्रिज दिखा दिया जो नया ब्रिज बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त से बन रहा है, तो हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं क्योंकि आज जुम्मा के दिन है, तो जुम्मा भी जाना है हमें, तो वहाँ के लिए मतलब थोड़ा देरी भी हो रहा है, और तो उसके लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी जाऊँगा सीधा घर और आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा आगे तक, और आप लोग मेरे ब्लॉग में बनी रही कंटिन्यू, और जो नया सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे जाता हूँ आगे जाकर। तो हम जा रहे हैं बाइक पे बैठ के, और मेरे दोस्त भी है, तो हम देखते मैं और एक गाड़ी दिखाऊँ मतलब, और जो नर्स है देखते ना कितना ज़बरदस्त कितना बड़ा है बिग साइज वाला, ये क्या है वोल्वो ट्रक है बोल रहा है मेरे दोस्त। तो देखिए ना मैं तो आज का पहले कुछ भी दिन अभी भी देखा ही नहीं हुआ सब गाड़ी है, जो देखिए क्या हैवी का है, जो है कितना ऊंचाई तक है ये गाड़ी, सब क्रेन से ले जाते हैं, इसका क्या है ये पहिया, कितना सारा पहिया है एक गाड़ी में, आप लोग गिनती करके मुझे बताइएगा कमेंट पर। देखिए ना मैं फिर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ तक, फोर लेन पूरा कंप्लीट हो चुका है, नोपम है, और नोपम से मतलब यहाँ थोड़ा आगे हम लोग आया था उस साइड से, मतलब नदी के साइड साइड से आया था, अभी जा रहा है एकदम नोपम होके मेन हाईवे से। तो मैं सीधा चौक लाइब्रेरी से चला आया ये मैम हॉस्पिटल, क्योंकि पापा का तबीयत अचानक बहुत ही ख़राब हो गया था, तो लेके चलाना पड़ा मुझे ये मैम हॉस्पिटल में, इसलिए मैं आगे ब्लॉक नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों आज